हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और आज का टॉपिक हमारा है मंगो डीबी में एग्रीग्रेशंस। तो आज हम एग्रीगेशन का टॉपिक कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक सीएमडी खोल के कनेक्शन बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका कनेक्शन ओपनर 27.127.0.0.149744। ठीक है, अभी को हम सीएमडी नया सीएमडी ओपन करेंगे और वहाँ पे सीडी और मंगो डीबी के बीन तक का पाथ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और हम फाइल को इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट डीबी और डीबी स्कूल कलेक्शंस कलेक्शन हम स्टूडेंट बना लिए और इसके बाद टाइप सीएसवी फाइल है और फाइल हमारा एक ये हमने एक फाइल बना रखा है इसमें जिसमें कि स्कूल नाम से सीएसवी फाइल बना रखा है जिसमें कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज जेंडर और स्कोर दिया हुआ है। तो हमने इस फाइल को एप ड्राइव में सेव कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा school.csv। यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे हेडर लाइन रो के फर्स्ट वैल्यू को रीड करने के लिए और इंटर। ये कनेक्ट आपका फाइल इंपोर्ट हो गई। अब आते हैं मंगो कमांड पे। अब यहाँ पे सो डीबीएस करेंगे। यहाँ पे स्कूल नाम से एक डेटाबेस बन गया है तो यूज स्कूल डेटाबेस को करेंगे और सो कलेक्शंस स्टूडेंट कलेक्शन है और db.student.find.pt एक फॉर्मेट के लिए हमने यहाँ पे सारा कलेक्शंस ओपन हो गया है। अब हम एग्रीगेट इसमें यूज़ करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट एग्रीगेट और स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर डॉलर सिंबल ग्रुप। ग्रुप में हम ग्रुप ले लिए और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट सॉरी और आईडी कोलन। यहाँ पे आईडी हम जेंडर को यहाँ से कॉल कर लेते हैं। जेंडर ठीक है, जेंडर और उसके बाद यहाँ पे आपका कॉमा और इसका हमको निकालना है सम निकालना है। तो एक हम अपना फंस रिजल्ट देखने के लिए टोटल नाम का एक वैल्यू लाने के लिए इसको लिख लेते हैं और यहाँ पे SUM सम कॉलन 1। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी जेंडर होंगे मेल और फीमेल को टोटल काउंट करके यहाँ पे आपको दिखा देगा। सिंटेक्स एरर क्या मिसिंग हुआ? ओके यहाँ पे मुझे कॉलन देना था।
देखिए अब यहाँ पे फीमेल 5 है और मेल 11 है। अगर हम अपने डेटाबेस में जो हमने कलेक्ट बनाया हुआ था CSV फाइल में, अगर यहाँ पे हम देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पे हम फिल्टर लगा लें और यहाँ पे हम मेल पे कर फीमेल पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। इसी प्रकार हम इस मेल पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो हमारा आउटपुट आया हुआ है बिल्कुल सही आया हुआ है। अब ये तो हो गया सम की बात, अब मुझे निकालना है कि मैक्सिमम एज कितनी है लोगों की, स्टूडेंट की मैक्सिमम एज देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल रहने, यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, टोटल की जगह आप यहाँ पे मैक्स एज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मैक्स कमांड लिखेंगे और यहाँ पे डॉलर सिंबल, सॉरी इसको हटा के इन्वर्टेड कॉमा में डॉलर सिंबल और एज, एज यहाँ पे दिया हुआ है तो एज हम लिखेंगे। तो इंटर क्या हो गया, स्टूडेंट मैक्स एज, तो ग्रुप आईडी क्या छोटा, ठीक है एक बार देखते हैं। ओके ओके ये हो गया आपका, एक बार फिर से मिला लेते हैं कि ये इसका बंद हो गया ब्रैकेट और ये इसका, ये इसका, ये इसका, इसका और ये सही है। आप इसको देखिए, अब आपका फीमेल हो गया 38 और मैक्स एज आपकी 38 है फीमेल की, और मेल की फीमेल मेल की मैक्स एज 38 है। अगर हम अपने इसमें आउट इन आते हैं देखते हैं, यहाँ पे हमने फिल्टर लगा रखा तो मेल फीमेल दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल एरिक जेंसन की 38 है और फैकलिन की 38 है, तो 38 बोथ। अब इसके नीचे हम आते हैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पे ही MIN कर लेंगे, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे MIN मीन एज के लिए, ये यूजर डिफाइंड है, आप जो भी यहाँ पे आपकी अपनी इच्छा को अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम इंटर मारेंगे, अब आपको देख सकते हैं मीन एज 24 मेल की, अब फीमेल की, सॉरी फीमेल की 24 और मेल की 22। अगर आप यहाँ पे अब डेटाबेस में अब देखेंगे तो आपको दिखेगा 22 मेल की। अगर यहाँ पे हम मेल का हम सेलेक्ट करते हैं तो 22 मिनिमम है यहाँ पे, 22 22, ठीक है। और फीमेल का देखते हैं मिनिमम, यहाँ पे 24 24 मिनिमम है। तो हमारा आउटपुट यही आया हुआ है, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर ज़रूर करें, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।